और दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं आज सनी और मरिया की वेडिंग सेलिब्रेशंस में। दोस्तों, एक बार जोरदार ताली हो जाए सनी और मरिया के लिए। नहीं 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 गाइस, आपके अपने सनी और मरिया की शादी होने वाली है और आप सब इतनी शांति से बैठे हैं, शोर नहीं मचा रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं, इतनी कंजूसी हो रही है। Come on people, let me hear you make some noise. जब तक आप शो नहीं बचाएंगे, शादी भी आपके माहौल का मजा थोड़ी आएगा। Come on people! Awesome! दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करें, I'd also like to say, I think a wonderful job that both the families of Saneem and Maria Dayazi have done, जो यहाँ इतनी खूबसूरत वेडिंग अरेंजमेंट्स की हैं, जहाँ लोग सोचेंगे कि wow, you know, कभी अगर मैं एक नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन शादी करने की सोचेगा कि यार, यू नो, आई वुड वांट टू कॉल सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली टू माय वेडिंग और इतनी खूबसूरत अरेंजमेंट चाहूंगा एंड आई वुड डेफिनेटली वांट अ सुपरस्टार परफॉर्मिंग एट माय वेडिंग, बट ये चीज जो एक कॉमन मैन का सपना है वो एक्चुअली सनीम और मरिया की फैमिली ने पूरी कर दिखाई है। सो दोस्तों, एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर बोथ द फैमिलीज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इतना स्पेशल मोमेंट है सनी और मरिया के लिए, तो इस मोमेंट को और भी स्पेशल बनाने के लिए यहाँ आने वाले हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे फनकार जो अपनी आवाज़ की जादू से आप सबको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ होगा सुर और संगीत का ऐसा संगम, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप सब जिंदगी भर याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, He gave his first stage performance at the age of 3 और उसके बाद there was no looking back। वो एक हिंदुस्तान के एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें जितना प्यार किया जाता है उतनी ही इज्जत भी दी जाती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ वो अपने डायनामिक परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी गायकी, उनके रियाज को देखकर बड़े बड़े म्यूजिशियंस वाहवाही देते हैं। He is kind of a bridge between the legacy of the past and the power of today. तो दोस्तों, एक बात तो तय है, जो आप सब इस बेहद खूबसूरत शाम में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो आई डोंट थिंक उतनी एक्सपर्टीज से उनके अलावा और कोई भी निभा सकेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी वेलकम यू अगेन टू सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट। आई हैव टू से द फ्रंट रो इज ऑसम, you guys are shouting, clapping, लेकिन पीछे वाले लोग अभी भी शर्मा के, they want to clap, they want to shout, but अभी भी काफी शांत है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ, कहीं वो सुन ना ले। जब तक यहाँ ऑडियंस में बैठा हर एक इंसान जोरदार तालियां नहीं बजाएगा, शोर नहीं मचाएगा, और जब तक आपकी आवाज पीछे हमारे सुपरस्टार के कानों तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक वो यहाँ स्टेज पे नहीं आएंगे और शो शुरू नहीं होगा। So come on people, let me hear you. And again, इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ स्टेज पे बुलाऊं, I'd also like to share one more thing. ये शो, आज का जो शो है, स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि we've come all the way from India. अब आप सोचेंगे all the way from India तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 14-15 घंटे की फ्लाइट से आए हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब यू नो, 3 घंटे की तो फ्लाइट होती है मुंबई टू ढाका। लेकिन आई हैव टू टेल यू,
we all of us, we've been up since 5 a.m. to travel. Lekin due to some technical faults at the Dhaka airport and some strike going on, the flight couldn't take off. So tab se jo hum baithe hain aur travel karne ki koshish kar rahe hain, we have reached here, we've gotten here to the hotel at 8:30 at night. So imagine from 5 a.m. to 8:30. So we all are really jet lagged, we haven't rested up, but us sab ke baawajood, we're gonna make sure that you guys here have the time of your lives. So dosto, kya aap tayyar hain? Hum to tayyar hain, par kya aap tayyar hain for the time of your lives? Maine itni badi kahani abhi batai aur jet lag hum hain aur aap sab yahan shanti se baithe jaise aap mein koi himmat nahi hai. Come on people, are you ready? All right, ye hui na baat, to abhi chaliye show shuru karte hain. So dosto, show shuru karne ke liye sabse pehle jis adhikara ko main yahan bulane ja rahi hun, unke bare mein main kya kahun. She's young, she's talented, and she totally mesmerized you with a hit song Mar Jaawa in fashion. Aur uske baad aapne inki madhur awaaz suni in films like Luck, Anjana Anjani and Raavan. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Shruti Pathak.